हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। इसमें 61 अभ्यर्थियों ने टेस्ट को क्वालिफाई किया है। अलग अलग जिले में इस टेस्ट में बच्चे सफल हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको काफी इंस्पायर करेगी। ये कहानी है गिरीशा चौधरी की। गिरीशा चौधरी ने इस एग्जाम में 30वीं रैंक हासिल की है और साथ में अपने परिवार का नाम रोशन किया है। गिरीशा करनाल के सेक्टर 8 की रहने वाली है। वैसे गिरीशा का सपना UPSC उत्तीर्ण करने का है। गिरीशा ने दूसरे प्रयास में HCS की परीक्षा पास की है। इससे पहले उन्होंने UPSC के 5 अटेम्प्ट दिए हैं, जहां पर उनको एक बार इंटरव्यू तक जाने का मौका मिला, लेकिन UPSC परीक्षा वह पास नहीं कर पाए। गिरीशा ने कहा कि उनका सपना UPSC की परीक्षा पास करने का है। गिरीशा ने बताया कि अभी उन्हें HCS में 30वीं रैंक आने पर विभाग नहीं मिला है। उनकी प्रथम इच्छा SDM बनने की है और साथ में उसके बाद बाकी विभागों को उन्हें लिस्ट में रखना है। गिरीशा ने बताया कि वह ज्यादा समय घर से बाहर रही और तैयारी की। हालांकि वह कोचिंग नहीं ले रही थी, लेकिन उन लोगों से मार्गदर्शन जरूर लिया जो उसकी मदद कर सकते थे। गिरीशा का कहना है कि जो मजा कुछ अटेम्प्ट के बाद सफलता हासिल करने में आता है, वो पहले अटेम्प्ट में नहीं, क्योंकि उसमें असली संघर्ष और मेहनत की खुशी मिलती है। HCS में 30वीं रैंक आने पर परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार ने गिरीशा को आशीर्वाद दिया और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। गिरीशा के माता पिता का कहना है कि हर बेटा बेटी को उसके गोल पर काम करना चाहिए, साथ में उन्हें सफलता भी मिलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां पर आपने कौन सा एग्जाम दिया और किस तरीके से ये परीक्षा उत्तीर्ण की, कुछ बताएं इसके बारे में। मैंने करनाल ही रहकर तैयारी की है। बीच में मैं 2-3 साल के लिए दिल्ली गई थी। मैंने UPSC का और HCS का प्री दिल्ली से ही दिया था। उसके बाद मेंस के लिए मैंने घर आकर तैयारी की है और बाकी तो मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी और बाकी मेरा एक पीयर ग्रुप था जिसमें हम साथ में डिस्कस करते थे, साथ में नोट्स बनाते थे, तो आई थिंक उनका भी इक्वल योगदान रहा है मेरे इसमें और बस यही है। UPSC के कितने अपने अटेम्प्ट दिए, वहाँ पर किस तरीके से कामयाबी में थोड़ी सी चूक रह गई, तो वो किस तरीके से आपने उसको अपने आप एक मजबूती बनाया? मैंने UPSC में मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, 6th अटेम्प्ट है और मैंने फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स दिए तो मेरा प्री नहीं हुआ था, फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर हुआ था। फिर 5th अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट टाइम प्री क्लियर हुआ और फिर मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू के बाद मेरा 19 मार्क्स से ओवरऑल रह गया था। तो अभी मैंने मतलब मेरे को लगता है मैंने इंटरव्यू में थोड़े कम थे और मेंस में भी थोड़े कम थे, उस पर मैंने फिर थोड़ा फोकस किया और शायद उसकी सफलता मुझे अब HCS के थ्रू दिख रही है और मेरे इंटरव्यू में HCS में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि UPSC में थोड़े मेरे इंटरव्यू में कम रह गए थे, तो वही अब इसी इंस्पिरेशन के साथ UPSC में लगेंगे दोबारा। किस तरीके से पढ़ाई की बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी कि हम ना जैसे मीडिया भी है या सोसाइटी है, हमेशा ना जो सक्सीड कर जाते हैं उनको फोकस करती है, तो जो जो बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जो नहीं सक्सीड कर पाते, उनका उनको गाइड करने वाला या उनके लिए ना एक सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता, तो आज मैं मतलब उन्हीं के लिए आई थिंक आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सक्सेस टू ऑल माई फेलियर्स, तो मतलब उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है और मैं बस यही कहूँगी कि परसिवरेंस इज द की। एट द एंड अगर आप नहीं भी सक्सीड होते ना, UPSC PCS कहीं सक्सीड नहीं होते, लाइफ में आप ज़रूर सक्सीड कर जाते हो, तो बस डटे रहो, गिव देते रहो, अटेम्प्ट्स देते रहो, बट दिस इज़ नॉट द एंड एंड दिस इज़ नॉट समथिंग बिगर देन लाइफ। कौन सा विभाग आपको मिला है या उसकी कोई लिस्ट अभी आनी है, बाकी है, या आपकी प्रेफरेंस कौन सी? मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस SDM है, सेकंड प्रेफरेंस DSP है, फिर उसके बाद तहसीलदार ETO नायब तहसीलदार ऐसे BDO है और लिस्ट अभी नहीं आई है, अलॉट नहीं हुई है, बट होपफुली जल्दी हो जाएगी। ना चाहेंगे कुछ जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से तैयारी वगैरह की, आपका कितना सपोर्ट रहा आपका? बस ये बच्ची है, शुरू से ही मतलब ये पूरी तरह से मतलब कि डेडिकेटेड रहती थी, कोई भी काम करती थी उसके पीछे लग जाती थी, विल पावर इसकी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, और हालांकि हमारी इतनी विल पावर नहीं जितनी हमारी बच्ची की विल पावर है, और कई फेलियर्स आए, कई फेलियर्स देखे इसने,
बट इसने हिम्मत नहीं हारी और हम बल्कि मन में महसूस करते थे भी क्या बनेगा, पता नहीं अब इतने मतलब कि अटैम्प्ट दिए भी हैं उसके बाद भी नहीं हुआ, बट इसने कभी भी मतलब कि बल्कि ये हमें सांत्वना देने लग जाती थी कि नहीं इस बार मैं करूँगी, और हमें भी अच्छा लगता था कि चलो बच्चे में विल पावर है और बच्चा करना चाहता है तो भगवान ने सुनी है और इसने अपनी विल पावर से इसको अचीव किया है तो बहुत अच्छा लगा हमें। जहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा था वहाँ आप भी परेशान होते होंगे, ये भी परेशान होते होंगे, हाँ पर किस तरीके से परेशान तो अंदर से हम होते थे बट हमने इसको बाहर से शो कम ही करते थे, बट इसको फिर वही है हम सांत्वना देते थे कि नहीं बेटा आगे बढ़ना है, फिर इस बार नहीं हुआ अगली बार फिर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि हिम्मत नहीं हारती, हालांकि इसकी वैसे ही विल पावर अच्छी थी तो हमारे से ज़्यादा अच्छी थी। काम के लिए आप किस तरीके से प्रेरणा देंगे जो अब जिम्मेदारी मिलेगी? मैं यही कहूँगा बिटिया को कि भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको ईमानदारी से पूरी मेहनत से और बेसिकली ये पब्लिक में रह के काम करना है तो पब्लिक को सेटिस्फाई करके रखना है, पब्लिक को हमेशा हमेशा पब्लिक की बात सुननी है क्योंकि हम भी पब्लिक में जॉब करते हैं जैसे सीनियर मैनेजर में पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसमें भी यही होता है कि पब्लिक आती है तो बेसिकली अगर पब्लिक खुश है हमारे से तो ऑफिसर सेटिस्फाई ऑफिसर जो है अपना सक्सेस। बाकी पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहिए? बाकी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि भाई यही है कि बच्चे को अगर मेहनत करना चाहता है, बच्चे का कोई गोल है उसने डिसाइड किया हुआ है तो उसको आज़ाद कर दो, उसको तैयारी करने दो, उसको तो हाँ गाइडेंस जरूर दो, अगर मान लो कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं तो दो, और उसके बाद जो है बच्चे को मोटिवेट करो, बच्चे को इंस्पायर करो, फेलियर्स आते रहते हैं, फेलियर्स आएंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। कहना चाहेंगे बेटी की सफलता पे जो ये उसने हासिल की है, किस तरीके से उसने तैयारी की, आपने क्या फेस देखा? एक्चुअली जब ये इसका रिजल्ट आता था तो जब लास्ट टाइम इसने यूपीएससी दिया तो हमें पूरे होपफुल थे कि इसकी रैंक लग जाएगी, लेकिन जब इसका कुछ ही मार्क्स से रह गया तो उस टाइम वक्त बहुत ही पेनफुल लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा। हम शो तो नहीं कर सकते बच्चे को लेकिन हमें खुद को बहुत महसूस हुआ कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बाकी आगे ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो हमें इस पर। किस तरीके से वो तैयारी करती थी आपके साथ, कितना टाइम या जहाँ डिमोटिवेट हो रही है वहाँ पर आप किस तरीके से सहयोग करते हैं? बस हम इसको यही कहते थे चलो कोई बात नहीं, अगर असफलता मिली है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, अगर नहीं भी होता तो भगवान ने जो हमारे लिए जो कुछ लिख रखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा, कहीं भी निराश नहीं होना, ये सफलताएं तो चलती रहती हैं, पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन अपने एम पे डटे रहो, कभी ना कभी तो सुनेगा परमात्मा, हमारी सफलता देगा। पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? बस पेरेंट्स के लिए ये कि बच्चे को मोटिवेट करते रहें, बच्चे को उसके अपने टारगेट अचीव करने दें, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत बना के रखें।